जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है आप जो प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल को प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप आपके जीवन में कोई परेशानी या तकलीफ से अभी गुजर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं या व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर अभी बात कर सकते हैं। उसका फीस, उसका शुल्क लागू है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हजारों साल पुराने एक रहस्य की। वो रहस्य क्या है, खासकर आपकी राशि के लिए, खासकर आपके लिए, जिससे कि आप कई सारी परेशानियों से बच सकते हैं। तो आज हम उसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वो 5000 साल पुराने रहस्य की हम बात करेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सत्ता है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और अपने आप में जीवन का एक बहुत बड़ा सच है। अगर आप इस सच को जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और इस सच के बारे में खुद पर इस सच का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें सही और सही पता लग जाएगी। हम बहुत दिनों से परेशान, हताश, निराश होते हैं, कई सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती रहती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उन चीज़ों पर भी आपको एक ऑब्जर्वेशन आपका मिल जाएगा और चीज़ों पर एक अलग सा प्रकाश आपका हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है मेरा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं और कमेंट्स में आपने ओम नमः शिवाय का नाम नहीं लिखा है, तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ 2-4-5 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। अब हम आते हैं रहस्य के ऊपर कि वो कौन सा रहस्य जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली और मुख्य बात है कि गीता में एक बात आपने पढ़ी होगी, कर्म कर फल की चिंता ना कर। कर्म अपने आप में एक बहुत बड़ी सत्ता है। तो सबसे पहला जो रहस्य है जो अपने गीता के अकॉर्डिंग मैं आपको कह रहा हूँ कि आप केवल और केवल कर्म और कर्म के साथ अपने मंत्र जप, मतलब जो कर्म हम कर रहे हैं वो हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट, उसको डेडिकेट कर दे कि हे ईश्वर, जो भी मैं काम कर रहा हूँ मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। मुझे पता है उसमें लाख कठिनाई आएगी, वो हमेशा आपकी परीक्षाएं लेगा, पर आप सफल जरूर होंगे, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इसमें आप सफल जरूर होंगे। दूसरा है कि इसमें एक चीज़ ये है कि आप जब पूर्ण ईश्वर पर यकीन होगा तो आपका सकारात्मकता से माइंड पूरा भरा हुआ रहेगा। आप जितने पॉजिटिव रहेंगे, जितने सकारात्मक रहेंगे, उतना ज़्यादा आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा। बहुत से लोग नेगेटिव आते हैं, बहुत से समाज में आपको ऐसे उदाहरण मिलते हैं फेलुअर के, उनसे सिर्फ सीखने की आवश्यकता है, न कि उन्हें खुद, हमें खुद को उस जैसा मान कर चीज़ों को करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो गलत है। आप अपने पूरी ईमानदारी से अपने कर्म पर ध्यान दें। दूसरा है कर्म के साथ अपने गुरु मंत्र या इष्ट मंत्र। अगर कोई मंत्र नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करें दोस्तों, हर हर महादेव का जाप करें दोस्तों। इसके इतने चमत्कारिक परिणाम है कि शायद आपके जीवन में आप सोच भी नहीं सकते। ये बहुत गूढ़ रहस्य है। आप कोई चीज़ मत फॉलो करें, सिर्फ आप अपने घर के पास जो भी शिवालय, उस दो वक्त शिवालय जाए, अपने कर्म पर कोई भी क्षेत्र हो उस पर पूरा ध्यान दे और अपने गुरु मंत्र का जाप कंटिन्यू करते रहे। ये बहुत पुराना, बहुत बड़ा रहस्य है। इसमें कई सारी कठिनाइयाँ आती है और अगर आप इस रास्ते पर चल रहे हैं तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी और आप एक दिन बहुत बड़े इंसान बनेंगे। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।